आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है। विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने, उन्होंने जो निर्णय, जो बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी
इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार
कि नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो शत प्रतिशत पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है इस आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ
भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। मेरे परिवारजनों, मैं आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे। साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। दो दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो मैं, जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम
ఎల్లప్పుడు పని చేస్తూనే ఉంటుంది. తెలంగాణతో మాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది. मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी. इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी. पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी. ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा. ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा. भरोसा ये कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है. आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं. आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है. साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है.